दोस्तों आज हम आए हैं NIT1 फरीदाबाद न्यूट्री कुल्चा ट्राई करने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सबका चटोरा पॉइंट की एक और स्ट्रीट फूड वीडियो में। दोस्तों ये जो लोकेशन है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। मेरे राइट साइड में फरीदाबाद NIT 1 और 2 का चौक है और उसके बिल्कुल पास में ही हम खड़े हैं। बाकी दोस्तों इस जगह का जो गूगल मैप है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको यूज़ करके बड़े आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी उससे पहले जो है यहाँ पे ऑर्डर करते हैं न्यूट्री कुलचा का पंकज, और टेस्ट करते हैं कि कैसा है। सही बात है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण है। भूषण जी, तो भैया कब से कर रहे हो यार आप यहाँ पर? ये 2013 से इंस्टॉल कर रहा है। 2013 से। बाकी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा कोविड के बाद में काम का, है ना? फर्क तो पड़ा है जी, 2-3 महीने से जो हो गया है कि पहले जो 3 महीने जो स्टार्टिंग में किया था हमने, जुलाई में स्टार्ट किया था जी, कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन के बाद जी, तो जुलाई में स्टार्ट किया था। जुलाई अगस्त सितंबर हमारे लिए काफी डाउन गया था, बहुत 20% 30% काम आ चुका था। बट अब ये है कि नॉर्मल आ रहा है, बट उस पहले की प्रेफरेंस में नहीं, पहले जो आ जाएगा मैं भी शायद और 2-3 महीने में मुझे लगता है कि वो भी ठीक हो जाए। नेक्स्ट मंथ हमारे को जैन तक हमारा ये सिस्टम है कि अप्रोक्सीमेटली जनवरी तक ठीक हो जाएगा। जी जी जी। बाकी भैया मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपके पास 2 तरीके के कुलचे पड़े हैं, 2 या 3 तरीके के हैं, तो क्या फर्क है भैया? हमारे पास 2 तरीके के कुलचा है, एक मसाले वाला होता है, एक सॉल्टेड होता है। अच्छा। मसाले वाला जो होता है, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ, ये येलो वाला है, ये मसाले वाला कुलचा है, ठीक है। इसके अंदर हल्दी और मिर्च का थोड़ा सा वो लेप लगा होता है। अच्छा। इस चक्कर में थोड़ा सा ये स्पाइसी होता है, ठीक है। और जैसे जो बड़े कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं। और एक हमारे पास ये सॉल्टेड कुलचा है। अच्छा। इसमें ये जो है इसमें नमक होता है, इसमें ओनली नमक, नमक और मेरे ख्याल से शायद पुदीना या धनिया से कुछ चीज़ पुदीना तो लगा हुआ है, वो तो दोनों में लगा हुआ, दोनों में लगा हुआ, दोनों में लगा हुआ। बट ये जो है स्पाइसी थोड़ा सा होता है, ये थोड़ा बच्चे जो कहते हैं थोड़ा लाइट खाना है। और एक ये ऊपर और देख रहा हूँ, सेम ही है। अच्छा, वो सेम ही है। तो ये इसका प्राइस क्या है भैया? रेट दोनों का सेम है जी, रेट में कोई कंपेयर नहीं है कि भाई वो अगर मसाले वाला खाना है तो। अच्छा, मतलब बाकी इंसान लेने वाले की प्रेफरेंस है कि उसको है कि बट हम लोग क्या करते हैं कि एक येलो देते हैं, एक व्हाइट देते हैं। अच्छा, दोनों दोनों का देते हैं ताकि दोनों का प्रेफरेंस बना रहे, स्वाद भी सही है। कुछ स्लाइड कोई कस्टमर है वो कहते हैं कि नहीं हमारे को मसाले वाला ही चाहिए, हम उनको दोनों मसाले वाले। बाकी भैया मेरा एक सवाल हो रहा है कि जैसे हम प्योर वेजिटेरियन है और लोगों को ये देखने में ना ऐसा लगता है कि जैसे ये थोड़ा सा नॉन वेज टाइप का आइटम है, और आपने ऊपर लिखा हुआ है कि शुद्ध प्योर वेज है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कस्टमर आते हैं हमारे पास क्योंकि आइटम ऐसे देख के दवा जिस हिसाब से हमारे प्रेफरेंस है, वो जो किसी बिरयानी की दुकान में चले जाओ तो वहाँ पर यही रहता है कि यार कोई ना कुछ बिरयानी तो नहीं है या कुछ नॉन वेज आइटम तो नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ सोयाबीन यूज होती है और किसी भी तरीके से कोई चीज़। बाकी जो आपके मसाले हैं खड़े मसाले डलते हैं वो भी घर के, किसी तरीके से कोई इसके अंदर आपकी भी लाल मिर्च अभी हम यूज़ नहीं करते। अच्छा। सिर्फ काली मिर्च, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि ज़्यादा लाल मिर्च खाने से शरीर भी खराब होता है, पेट खराब होता बिल्कुल। है बिल्कुल लाल मिर्च हमारे में बिल्कुल नहीं डलती, सिर्फ हम काली मिर्च यूज़ करते, ठीक है। तो भैया आप एक प्लेट ना हमारे लिए बिल्कुल लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी प्लेट लग रही है भाई अब, और ये अच्छा है कि इन्होंने जो है थर्माकोल की प्लेट यूज़ कर रहे हैं। ये प्याज डाले इन्होंने, इसके ऊपर जाएगी जी हरी चटनी, बहुत बढ़िया। ये साथ में हमें एक नींबू मिल गया है, तो दोस्तों साथ में ये हमें प्याज मिल गए हैं इमली वाले। इसमें ये कह रहे हैं कि हम सिरका बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, तो मतलब प्योर इमली वाले जो है प्याज हैं। बाकी जी अब ये आ गया जी हमारा न्यूट्री, बहुत ही बढ़िया लुक लग रही है वहाँ का, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। ये इसके ऊपर आप क्रीम डाल रहे हो, तो भैया ये सिर्फ हमारी प्लेट में डाल रहे हो या सभी में डलती? सब में डलती ना, कि आपके आपके साथ हम कोई सभी कस्टमर के साथ सब कुछ जैसी एज इट इज, जैसे आपकी प्लेट लग रही है कस्टमर की भी ऐसे ही प्लेट लगती है बिल्कुल। और ये जो हमारे नहीं भैया, पता क्या होता है ना, हम ये चाहते हैं कि हम अपने पब्लिक को वो दिखाएं जो नेचुरल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों एक बार जो है आप हमारी न्यूट्री कुलचा की भाई प्लेट की लुक देखिए, क्या जबरदस्त है पंकज, मजा ही बढ़िया है, मजा आ गया देख के। और न्यूट्री भाई इतनी जबरदस्त है ना भाई साहब, मैं तेरे को क्या बताऊँ। ये देख जरा, मैं इसको हिला के दिखाता हूँ तेरे को, देख रहा भाई पीसेस कितने जबरदस्त हैं। वाह, प्योर सोयाबीन इन्होंने यूज करी हुई है और बहुत जबरदस्त मसाले डाल रहे हैं भाई इसके अंदर। सही में खुशबू बहुत ही प्यारी है। साथ में हमें मिले हैं भाई ये प्याज,
और इमली की चटनी, इमली की चटनी है इसमें, और एक ये हमारे को पंकज प्याज और मिले हैं जिसके ऊपर हमें ये हरी चटनी मिली है धनिया और पुदीने की, और बाकी इसमें हरी मिर्च वगैरह डली हुई है भाई, और नींबू दिया है। और न्यूट्री कुलचा देख पंकज, मैं कुलचा दिखाना चाहता हूँ एक बार, जो है ना सॉफ्ट देखो क्या ज़बरदस्त है, मतलब ये देखो यार क्या ज़बरदस्त है, दिल ही खुश हो गया देख के भाई, तो मन कर रहा है बिल्कुल। अब फटाफट पंकज इसको खाते हैं यार, चल। हमने फिलहाल एक ही प्लेट ली है भाई बिल्कुल, क्योंकि अभी हमें कहीं और पे भी शूट करने जाना है, तो इसको फटाफट टेस्ट करते हैं। हाथ हम सैनिटाइज कर चुके हैं और अब भाई मास्क हटा देते हैं। भाई लुक तो पंकज बहुत बढ़िया की लग रही है ना, जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात ना पंकज, कुलचा कुलचा भाई बहुत ही सॉफ्ट है, मज़ेदार। करे भाई ट्राई। एक्चुअली पीछे सिटिंग भी है तो वहाँ पे जो है ना यार कैमरे का एंगल सही नहीं बन रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे खड़े होके खा रहे हैं। सिटिंग प्रॉपर है, वो हम आपको दिखा देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसा कि भैया ने कहा था कि इसमें आपको ज़्यादा मसालों का ही जो है ना फ्लेवर आएगा, क्योंकि न्यूट्री का जो है ना अपना कोई खास टेस्ट होता नहीं है बिल्कुल, तो सारा खेल जो है वो मसालों का है। बाकी मसाले बहुत बढ़िया डले हुए हैं, और भाई ये जो प्याज है ना इमली वाले, ये बहुत स्वाद है भाई। एकदम बढ़िया, क्या खटास है ना, बहुत, मतलब मसाले तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, चाहे वो काली मिर्च हो, ठीक है, लौंग हो, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। और मुझे चटनी के साथ बहुत मज़ेदार लगा। एक बाइट ना मैं ऐसे करता हूँ, ये हल्के से इसमें जो है ना इमली वाली चटनी लगाता हूँ, और ये लगाता हूँ भाई न्यूट्री। मज़ा आ गया पंकज। और ये प्याज जो है हमें लच्छे वाले भी मिले हुए हैं, ज़बरदस्त है भाई हरी चटनी के साथ तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है भाई, हर चीज़ के साथ बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, चाहे आप न्यूट्री के साथ ले लो, सही बात है, और ये इमली वाली जो उन्होंने चटनी दी है प्याज के साथ बिल्कुल, उसके साथ ले लेगा तो बिल्कुल बाइट का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। बाकी भाई बहुत स्वाद है, मज़ा आ गया। बाकी दोस्तों आपको प्राइस हम बता चुके हैं, मैं फिर भी यार एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि प्राइस नहीं पता चला, तो भाई 70 रुपये प्राइस है। दो तरीके के इनके पास कुलचे हैं, एक हल्दी वाला है मसाले वाला, लेकिन वो इतने ज़्यादा मसाले वाला नहीं है कि कोई खा नहीं पाएगा, और एक प्लेन सॉल्टेड है। दोनों ही दे देते हैं वो कि दोनों का फ्लेवर टेस्ट करो, सही बात है, बहुत बढ़िया। बाकी अगर आपको जोन सा कहना है कि भाई ये वाला चाहिए वो आप बोल सकते हो। बाकी दोस्तों चैनल के सपोर्ट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और फरीदाबाद के दोस्तों को भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बिल्कुल सही बात है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।